Hello student, today we will do numericals on convex lenses. So your question is, if an object of height 7 cm is placed at a distance of 12 cm from a convex lens of focal length 8 cm. Find the position, nature and height of image. Question हो गया कि कोई object जो कि 7 cm height का है वह convex lens से 12 cm की distance पर रखा हुआ है जिसका focal length 8 cm है. तो हम लोग को निकालना है position मतलब इमेज कहाँ बनेगा, इमेज का पोजीशन, इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड जो लिखते हैं या वर्चुअल जो भी इमेज बनेगा उसका हमको नेचर लिखना है. फिर हाइट ऑफ इमेज, इमेज कितने हाइट का बनेगा. तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के पहले हम लोग सबसे पहला काम करेंगे कि गिवेन जो है क्वेश्चन के मुताबिक लिख लेंगे. फर्स्ट में आप देखिए कि इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 cm हाइट, तो हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दिया है जिसको हम लोग एच वन से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू 7 cm और ये प्लस साइन के साथ होगा क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर होता है पॉजिटिव साइड में. तो हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हो गया एच वन इज इक्वल टू 7 cm. इसके बाद यह कन्वेक्स लेंस से 12 cm का डिस्टेंस रखा हुआ है, तो लेंस के लेफ्ट साइड का जो डिस्टेंस होता है एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइड है. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू जो है वह -12 cm लिखेंगे क्योंकि लेंस के लेफ्ट साइड यानी कि एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में यह है. और फोकल लेंथ जिसको कि हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे वह 8 cm आया. कन्वेक्स लेंस है इसलिए इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा जो कि राइट साइड यानी एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड है इसलिए +8 cm लिखे हैं. इसके बाद हम लोग को निकालना है सबसे पहले इमेज डिस्टेंस जिसको भी से डिनोट करते हैं उस पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे. इसके बाद हम लोग अब लेंस फार्मूला का यूज करेंगे. लेंस फार्मूला जो हम लोग पढ़े थे उसका यूज करेंगे और लिखेंगे 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f. अब इसमें जो जो चीज़ हम लोग को मालूम है उसको उसका वैल्यू रखेंगे. तो भी निकालना है इसलिए भी का वैल्यू नहीं दिया हुआ, भी निकालना ही है इसलिए 1/v लिख देंगे. उसके बाद माइनस साइन देंगे. अब 1/u के बदले में -12 लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर. फिर इज इक्वल टू का साइन देंगे और 1/8 लिखेंगे. इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के लिए हम लोग फर्स्ट टर्म जो 1/v है लेफ्ट में जैसे वैसे लिख देंगे, प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये प्लस साइन हो जाएगा. तो 1/12 इज इक्वल टू 1/8. अब चूंकि भी का वैल्यू निकालना है तो बिना भी वाला टर्म को राइट साइड भेज देंगे. तो 1/v इज इक्वल टू यह हो गया 1/8 -1/12. +1/12 इधर आके -1/12 हो गया. नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 1/v इज इक्वल टू, अब 8 और 12 का एलसीएम लेंगे जो कि 24 हुआ. अब इसके फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, 3 टाइम्स लगेगा, 8 से 24 और इस 3 को मल्टीप्लाई करके 1 से लिखेंगे तो 3 हो जाएगा. फिर बीच में माइनस का साइन हो गया. इसके बाद बीच में माइनस का साइन हो गया इसके बाद 12 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, यह हमारा हो जाता है ये 12 2 जै 24 और 2 1 जै 2 यानी 2 लिख देंगे इसके बाद. ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इस बात को, अब एलसीएम लेकर के हो गया हम लोग को 1/v इज इक्वल टू एलसीएम 24 3 - 2/24. अब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो ये इम्प्लाइज करेगा 1/v इज इक्वल टू 3 में से 2 चला जाएगा 1 हो जाएगा तो 1/24 हो गया है.
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी का वैल्यू हम लोग को निकल गया भी इज इक्वल टू 24, यानी इमेज डिस्टेंस वह हो गया ये राइट साइड पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस जो कि भी इज इक्वल टू प्लस 24 सेंटीमीटर आया। अब इमेज डिस्टेंस जब हो गया तो हम लोग को नेचर भी बतलाना है और हाइट ऑफ इमेज भी बतलाना है। इसके लिए हम लोग अब चलेंगे मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला की तरफ। आप देखें तो हम लोग लिखेंगे नाउ मैग्नीफिकेशन एम इज इक्वल टू वी बाई यू होता है लेंस के लिए, और ए वी भी मालूम है यू भी मालूम है, तो हम लोग ये लिखेंगे इम्प्लाइज करता है एम इज इक्वल टू वी का वैल्यू प्लस 24 है और यू का वैल्यू माइनस 12, तो 24 बाय माइनस 12, ये 12 से ये कैंसिल हो गया, 12 टू जै 24 और प्लस को माइनस से डिवाइड करके माइनस होगा और ये माइनस 2 आया मैग्नीफिकेशन का वैल्यू। नेगेटिव साइन जो है मैग्नीफिकेशन का जो है ये बतलाता है कि इमेज जो है एक्स एक्सिस के नीचे बना है जो कि रियल और इन्वर्टेड है, साथ साथ एम इज ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है, यानी यहाँ मैग्नीफिकेशन हुआ है, यानी लिखेंगे कि एम इज सिंस एम इज ग्रेटर देन 1 देयरफॉर द इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है। द नेगेटिव साइन ऑफ एम इंडिकेट्स दैट द इमेज फॉर्म इज रियल एंड इन्वर्टेड। फिर हम लोग मैग्नीफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, अगेन एम इज इक्वल टू एच टू बाई एच वन, इससे हम लोग एच टू निकालेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे, एम का वैल्यू मिला हुआ है माइनस टू वा रख दिए, इज इक्वल टू एच टू निकालना है तो एच टू लिखा गया और एच वन के बदले में 7 लिख दिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एच टू इज इक्वल टू होगा माइनस टू इंटू 7, यानी माइनस 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर हाइट और साइज ऑफ इमेज इज 14 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ भी हम लोग द नेगेटिव साइन जो देख रहे हैं वह शो करता है, सो दैट द इमेज इज फॉर्म बिटवीन इमेज इज फॉर्म बिलो द एक्स एक्सिस, नीचे एक्स एक्सिस के नीचे मिलने वाला इमेज जो होगा वो रियल होगा, दस इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इस तरह से न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर।